यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
ओम शांति, ओम शांति। फिर पांचवें अध्याय में सन्यास योग की बात समझाते हैं और कहा ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारा कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। प्रथम श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक सन्यास योग और कर्म योग में निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। सातवें श्लोक से लेकर बारहवें श्लोक तक सन्यास योग और कर्म योग के लक्षण और उसकी महिमा बताई है। तेरहवें श्लोक से लेकर छब्बीसवें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय लिया गया है और सत्ताईसवें श्लोक से लेकर उनतीसवें श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग की का वर्णन किया गया है, महिमा बताई गई है। अब अर्जुन का पुनः सारे अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप देखते रहेंगे कर्म योग की बात। फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये ज्ञान सुनने के लिए तो मुझे सब जैसे छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ये सन्यास तो नहीं है? और इसीलिए उसका सवाल उठता है और भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है यानी कर्म योग श्रेष्ठ है या सन्यास योग श्रेष्ठ है? सब कुछ छोड़ दूं तभी मैं सही रूप में कर्म योगी बन सकूं, ये संभव है? तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, छोड़ना या कर्म योगी बनना? ये सवाल आपके मन में भी उत्पन्न हो सकता है। भगवान ने बहुत सुंदर उसका उत्तर देते हुए कहा, सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है और न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सन्यासी ही जानने योग्य है। सन्यास किस चीज का करना है? चीज वस्तुओं का, कर्तव्य का, जिम्मेवारी का नहीं करना है। सन्यास करना है बुरी आदतों का, सन्यास करना है बुराइयों का, द्वेष का, सन्यास करना है कर्म फल की चाहना का। फल की चाहना वो तो है ही जुड़ा हुआ, तुम अच्छे कर्म करते चलो। इसीलिए कहा वो व्यक्ति सन्यासी ही जानने योग्य है। व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है। बड़ी स्पष्ट लैंग्वेज में भगवान कहते कि मनुष्य को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति है, द एटीट्यूड। एटीट्यूड ये बहुत बड़ा मायना है। इसलिए कहावत है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत के व्यक्ति की उस कर्म करने के पीछे नियत क्या है? द्वेष, वैर, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही सन्यास है। चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करना है, कर्तव्य जिम्मेवारी गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, लेकिन उसमें जो रहा हुआ आसक्ति है, बुराइयां है, उसका त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करना सन्यास नहीं है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं देते। जब ये बात हम सुनाते हैं तो कई लोग हमसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बहन जी फिर आप लोग ने सन्यास क्यों किया? हमने सन्यास नहीं किया है, हम आपसे बड़े गृहस्थी हैं। कैसे? देखो आप हमारे कोई भी सेंटर को देखेंगे ना, शहर के बीच में होगा। हमारी बहनें, जो भी भाई बहनें वहाँ होते हैं, सभी त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, है ना? कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी बात होगी, आप सबको निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते हैं? तो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, कौन कहता है हम सन्यासी है? देखो जब माँ बाप अपने लड़की के लिए
घर और वर ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? आज की दुनिया के अंदर घर और वर जब ढूंढते हैं लड़की के लिए तो यही देखते हैं कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, यही देखते हैं ना। बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, हमारी लड़की नाजुक है, सबका मन नहीं संभाल सकती, इसलिए अगर मियां बीवी अकेले रहने वाले तो और अच्छा, झंझट ही समाप्त, है ना। यही ढूंढते हैं माँ बाप अपनी लड़की के लिए। लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास था कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं और सबका मन संभाल सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा। ईश्वर का परिवार हमारा परिवार। तो एक बड़े गृहस्थ में आए, आप लोग एक छोटे गृहस्थ को चुनते हैं, हम लोग ने बड़े गृहस्थ को चुना है कि ईश्वर का परिवार हमारा परिवार। और इतना जरूर है कि हम सबका मन संभाल सकेंगे, ये विश्वास हमें है कि नहीं। देखो दुनिया के अंदर आप लोगों को अपने गृहस्थ में चार लोगों का मन संभालना होता है, बच्चों का, माँ बाप का, सास ससुर का, पति का, कितना टेंशन रहता है। और अगर मान लो कि आपके घर में, चलो आप और अपने बच्चे छोटा परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन चार मेहमान आ जाए या 10 मेहमान आ जाए, और वो भी 10 दिन रहने वाले हो, और उन्हीं दिनों में अगर काम वाली चली जाए तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है, किसको होता है? लेडीज को होता है, जेंट्स को होता है, कि अब मेरी पत्नी को इन सब का करना पड़ेगा, इसका मूड संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मूड नहीं संभाला तो कुछ भी नहीं होना है फिर। तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? जेंट्स को होता है ना, आगे पीछे घूमते रहते हैं कि इसका मूड ठीक रहना चाहिए, है ना। काम ज्यादा हो गया, वो भी समझता है, और सबके सामने वो हेल्प नहीं कर सकता है, नहीं होता है तो हेल्प भी कर ले, लेकिन नहीं कर सकता है तो आगे पीछे घूमता रहेगा। और अगर मानो उस समय बच्चों ने आकर के कुछ तूफान मचाना चालू किया और पत्नी को गुस्सा आ गया और 2 थप्पड़ मार दी बच्चों को, मेहमानों ने पूछा क्या बात है, हमारे कारण कुछ हुआ क्या? तो पति क्या, नहीं नहीं आपके, ये बच्चे है ही ऐसे ना, तूफान इतना मचाते हैं। कितना ढकने का प्रयत्न करता है अपनी वाइफ का, है ना। ये साथी का काम है, लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है जो हमारे पास रोज मेहमान आते रहते हैं, यहाँ माउंट आबू में हर रोज एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप, अभी आप लोग जाएंगे दूसरा ग्रुप आएगा, हर हफ्ते प्रोग्राम है ही है। 500-600 आपको खाली 10 लोगों को संभालना टेंशन हो जाता है, यहाँ हर हफ्ते 500-600, 500-600, 700-800 हो जाते हैं, और घर वाले मिलाकर के 1000 का रोज का खाना बनता ही है। लेकिन किसी के चेहरे पर टेंशन देखा आपने, देखा आपने? कुछ गलतियां हो गई हो, आपकी सेवा में कोई कमी आई हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अरे कमी कहीं ना कहीं तो होती, इंसान जहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही है, लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है कि उस वक्त आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है आपको दिखाई नहीं पड़ता। इतना अच्छा साथी कभी गुस्सा नहीं करता है हमारे ऊपर, और सारा कारोबार वो संभाल लेता, सारा टेंशन वो संभाल लेता है। ऐसा साथी मिलेगा? इसलिए कि हमारा साथी बहुत अच्छा है। हम बड़े गृहस्थ में इसीलिए आए कि हमें संभालने की जरूरत, वो संभाल लेता है सब कुछ। तो फिर कई बार कई लोग हमसे क्या कहते हैं, अरे बहन जी फिर ये सफेद कपड़े क्यों पहने आपने, रंगीन कपड़े पहनो, बड़े गृहस्थ में तो रंगीन कपड़े पहनो। मैं बहनों से पूछती हूँ कि अगर आपके साथी को जैसे कपड़े पसंद होते वैसे ही पहनेंगे या दूसरा पहनेंगे? अगर आपके साथी को साड़ी पसंद है तो आप ड्रेस पहनने की हिम्मत आपके लाइक होते हुए भी करेंगे? नहीं। आपका पति अगर, आपका साथी अगर छुट्टी देता है तो आप ड्रेस भी पहनेंगे, सब पहनेंगे। लेकिन अगर साथी को पसंद नहीं तो
नहीं पहनते हैं। हमारे साथी को सफेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसकी पसंद हमारी पसंद। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं सीक्रेट, ये सफेद कपड़े में कई झंझटे से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहली झंझट मैचिंग की झंझट मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो मैचिंग में इतना टाइम लगाती है महिलाएं, ये पहने वो पहने एक करे वो कितना मैचिंग का आपको सोचना पड़ता, कितना टाइम जाता है उसमें। और इतना ही नहीं, लेकिन मान लो कि कोई डिजाइनर ड्रेस आप लेके आए और एक कोई पार्टी है और वहां पहन करके गए, इतना महंगा ड्रेस खरीदा अपनी पसंद से और वहां गए और देखते रहते कोई कॉम्प्लीमेंट तो करे, और अगर किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो पूछते हैं फिर सामने से, कैसा लग रहा है, अच्छा है? और सामने वाले ने कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, डिजाइनर लगता है। हाँ डिजाइनर है, बहुत महंगा है। कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन कलर दूसरा नहीं था क्या? ये कलर आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। बस उसके बाद देखो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है, कब घर जाएं, कब इसको उतारे और दूसरी बार पहनते नहीं है। माना दूसरे के ओपिनियन पर हमारा जीवन चलता है। अब हम सफेद ड्रेस में होते हैं, हमें किसी को पूछना ही नहीं कि कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथी को पसंद है ना, हम उसमें बहुत खुश है ना। और सफेद रंग में सातों रंग समाये हुए हैं, है ना, सातों रंग उसमें समाये हुए हैं। आज आपको कहीं भी जाना, हमारा सबसे सहज तरीका सफेद ड्रेस पहना, न मैचिंग का झंझट, न उसके हिसाब से कोई मेकअप का झंझट। आप लोगों को जैसा कपड़े पहने फिर वैसी लिपा पोती करनी पड़ती है, और वो लिपा पोती में कितना टाइम जाता है, हमारा कितना टाइम बच जाता है, कितना टाइम बच जाता है। तो हम सन्यासी कहाँ है, हम बड़े गृहस्थी है, आपसे भी बड़े गृहस्थी है, और अपने टाइम को बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारा साथी इतना अच्छा है, सब कुछ करने के बावजूद भी हमें निश्चिंत रखता है कि कुछ भी उलट पुलट अगर हो भी गया तो वो संभाल लेता है, क्योंकि वो सबकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है जो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, है ना। बाकी इंसान जहाँ है कुछ तो ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन आपने 3 दिन के अंदर कुछ देखा? हर कोई जो भी आता है कहेंगे अरे ऐसा लगता है कौन कर रहा है पता नहीं, आप लोगों को भी देखते सब घूमते रहते हैं लेकिन कैसे ये काम होता है पता ही नहीं चल रहा है। यही तो मैजिक है यहाँ का, यही तो मैजिक है कि सब कुछ इतना सुव्यवस्थित हो जाने के बाद भी यही पता चलता है। किसी के चेहरे पर आप देखो कोई टेंशन की रेखा नहीं, और सब कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ जिसके पास भी आप खड़े हो जाओ वो आपको ज्ञान की 2 बातें जरूर सुनाएगा। सोचते हैं कई लोग अरे भाई जो व्यक्ति काम करता हो वो ज्ञान कैसे सुना सकेगा, नहीं लेकिन वो भी आपको, एक लिफ्टमैन भी ज्ञान जरूर सुनाएगा, एक माली भी आपको ज्ञान जरूर सुनाएगा, मकान जहाँ रहते हैं वहाँ पर मकान संभालने वाले केयरटेकर भी आपको ज्ञान की 2 बातें, उसके साथ खड़े हो जाओ वो भी ज्ञान को जरूर सुनाएगा। और इसीलिए कहा कि ये ज्ञान की ही कमाल है, जो कर्म में अप्लाई हुआ है और कर्म में अप्लाई होने के बाद संन्यास जो किया है वो बुरी वृत्तियों का संन्यास जरूर किया हुआ है। नहीं तो आप सोचो 2 जवान बेटे को घर में संभालना माँ बाप को कितना स्ट्रेस हो जाता है। और यहाँ जितने भी आप देखेंगे अपने यूथ एज में है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जो एक नूर है वो नूर किस चीज का है, कि जो पवित्रता को उन्होंने जीवन के अंदर अपनाया है उसका नूर टपकता है।
तो इतनी ऊंची बात जो शिक्षाएं, क्योंकि हर एक ने अपना रिश्ता उसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, तो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, शहरों में ही रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों को भी हर फंक्शन पर इनवाइट करते रहते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं और बहुत खुश है। किसी के चेहरे पर आपने असंतुष्टता की रेखा देखी? असंतुष्टता की रेखा नहीं है और ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल अंदर से है। तो इसीलिए सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यास बुरी वृत्तियों का किया है, चीज वस्तुओं का नहीं। आज अगर मैं चीज वस्तुओं का सन्यास करके सारी कुर्सियां निकालकर आपको नीचे बैठने के लिए कहूं, अब जिसको आदत नहीं नीचे बैठने की, घुटना दर्द करने लगेगा, ये 2 घंटा अच्छी तरह से प्रवचन सुनने की ताकत होगी नीचे बैठ के? 15-20 मिनट आधा घंटा सुन लेंगे, फिर सोचेंगे अरे कब ये पूरा हो, कब ये पूरा हो। लेकिन आराम से बैठो, क्योंकि आज के जीवन शैली अगर ऐसी हो गई है, अगर नीचे बैठाया तो आप जो लेना चाहिए जीवन के अंदर वो ले नहीं सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं आराम से बैठो, ये चीज वस्तु खराब नहीं है, उस पर बैठो, यूज करो, तो आप अच्छी तरह से उन ज्ञान की बातों का आनंद ले सकते हैं और उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए चीज वस्तुओं का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्ति उसमें जो आसक्ति है उसका संन्यास जरूर करो। सब कुछ मेरा है, उसका ध्यान रखना, उसका संभालना है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ये वृत्ति है। तो इसीलिए सन्यास योग को कर्म योग में शामिल कर लो, ये भगवान कहते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, कर्म योग के बिना सन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को ही देखते हुए उसका मन वश में होता है, ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए स्वयं को उससे भिन्न समझता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए कर्म बंधन से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी हर कर्म आत्म शुद्धि के लिए ही होता है और वह पुरुष 9 द्वार वाले देह में रहते हुए मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार प्राप्त कर परम शांति और सुख का अनुभव करता है। जीवन में रहते हुए निर्लिप्त जीवन, कहने का भावार्थ यही है कि जीवन में रहते हुए उसके बंधनों से मुक्त जीवन। राजा जनक की बात याद आती है कि राजा जनक को हमेशा कहा जाता जीवन मुक्त स्थिति में रहता था, राजभाग में था, राज्य भाग्य था, लेकिन राजभाग में रहते हुए भी निर्लिप्त। कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने कहा कि मुझे कोई जीवन मुक्ति का ज्ञान 1 सेकंड में दे। काफी लोग आए उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन राजा जनक ने कहा मुझे 1 सेकंड में और प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। तब कहा जाता कि अष्टावक्र जी आते और अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आपको ज्ञान अभी नहीं दूंगा, समय आने पर दूंगा। सभा विसर्जित हो गई। राजा जनक ने सोचा अभी क्या करूं, तो उसने अपना घोड़ा मंगाया कि थोड़ा सैर करके आता हूं। जैसे ही घोड़ा आया और घोड़े पर चढ़ने गया, एक पैर घोड़े पर था, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो? राजा सोच में पड़ गया कि घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हूं, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूं।
का यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है। कहा कैसे? तो कहा संसार में रहते हुए संसार आप में न हो, ये जीवन मुक्त स्थिति है। संसार में रहो लेकिन उसकी आसक्ति, उन बुरी वृत्तियों से अपने आप को निर्लिप्त रखो, यही ज्ञान जीवन मुक्ति का अनुभव के जीवन में रहते हुए परम आनंद परम सुख का अनुभव कराता है। और तब से लेकर के राजा जनक ने इस विधि को अपनाते हुए राज्य भाग्य में रहता था, भाग्य भी संपूर्ण था, चीज वस्तुओं का त्याग नहीं किया लेकिन फिर भी जीवन मुक्त निर्लिप्त जीवन था। कहा जाता कि कुछ समय के बाद एक सन्यासी आया उनके पास और कहने लगा कि राजा जनक, मैंने सब कुछ सन्यास कर दिया, छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, फिर भी मेरा मन विचलित होता है। मैं कैसे मानूं कि आप इस राज्य भाग्य का अनुभव करने के बाद आपका मन विचलित नहीं होता है? आपके पास कोई प्रमाण है? राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर सवाल किया, मेरा थोड़ा कारोबार है, मैं निपट करके आता हूं, फिर हम बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? आप एक काम करो, आप मेरे महल की जो भव्यता है, सुंदरता है, उसको देख करके, उसका अवलोकन करके आइए। कहा ठीक है। लेकिन राजा जनक ने कहा उस सन्यासी को कि देखो, वहां पर जिस एरिया में आप जाएंगे सारा कारीगरी को देखने के लिए, अभी वो बन रहा है, लाइट लगी नहीं है, आप एक काम करो, अंधेरा होगा, ये दीपक लेकर के जाइए, और खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं हैं और हवा की वही दिशा है, ध्यान रहे दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। कहा कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। और वो गया सन्यासी सारा महल का अवलोकन करने के लिए, बहुत सुंदर कारीगरी सारी देख करके जब आया, तब तक राजा जनक ने भी अपना सब कारोबार निपटा करके आ गए। और जैसे आए सन्यासी जी भी आ गए, राजा जनक ने पूछा, आपने महल देख लिया? कहाँ देख लिया। कहा कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर कारीगरी थी। राजा जनक ने पूछा, ध्यान कहाँ था? कहा ध्यान तो दीपक पर था, कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, तो कारीगरी को भी देख रहा था, सुंदरता को भी देख रहा था, लेकिन ध्यान दीपक पर था। राजा जनक ने कहा, यही रहस्य है कि इस राज्य भाग्य में रहने के बाद भी मेरा ध्यान उस आत्मरूपी दीपक पर रहता है, कि आत्मरूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए, यही जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है, यही निर्लिप्त जीवन का आधार है, कि रहना भी उसी में है, सब भोगना भी है, ये नहीं कि भोगना नहीं है, लेकिन फिर भी निर्लिप्त भी रहना है। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि परमात्मा मनुष्यपन में कर्तापन को नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है, और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। मनुष्य की जो प्रकृति है, सात्विक राजसिक तामसिक, जिसकी जैसी प्रकृति, उस प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव उस अनुसार बन गया, उसी अनुसार सब बरतते हैं, बाकी भगवान का रोल कहीं नहीं है। अक्सर मनुष्य यही समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना संसार में, पत्ता पत्ता जो हिलता है, भगवान की मर्जी से हिलता है, ये हाथ ही उठता है तो भगवान की मर्जी से उठता है। अब सोचने की बात ये है कि ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? भगवान की मर्जी ऐसी होती है? पत्ता पत्ता आज अबजो पत्ते होंगे, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाने का काम करेगा? उसके पास और कोई काम नहीं है? आज एक कंपनी में भी आप देखेंगे कि जो
चेयरमैन होता है, मालिक होता है जो चेयरमैन है, लोग कहने में ये कह देते कि ये मालिक की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता इस कंपनी में, लेकिन उस कंपनी के अंदर मालिक के अलावा और भी है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, सब है। कंपनी में कोई दीवार पर अगर खील मारनी है तो मालिक हथौड़ा और खिला लेके नहीं जाएगा उसको मारने के लिए, वर्कर का काम है। हर एक को अपना काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है, वर्कर का काम अपना है, सुपरवाइजरों का काम अपना है, मैनेजरों का काम अपना है, डायरेक्टर का काम अपना है, चेयरमैन का काम अपना है। ठीक इसी तरह ये संसार का खेल जो है तीन सत्ताओं के बीच में है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा और प्रकृति, ये तीन के बीच में नेचर, ये तीन के बीच में खेल चलता है। लेकिन तीनों को अपना अपना कार्य मिला हुआ है। ये पत्तों को हिलाने का कार्य नेचर का है, वो नेचर को स्वतंत्रता है, वहां भगवान इंटरफियर नहीं करता है, वो हिलाता है पत्तों को, उसका काम वो है। आत्माओं को अपना काम मिला हुआ है, अपने लेवल का, ये हाथ उठाने का काम व्यक्ति खुद करता है अपनी मर्जी से, प्रकृति के दबाव में आकर के, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कि यही प्रकृति अगर सात्विक प्रकृति के आधार पर है तो ये हाथ उठेगा किसी को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन अगर तामसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा तो यही हाथ उठेगा किसी को थप्पड़ मारने के लिए। तो प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव में स्थित व्यक्ति बरतता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है, क्योंकि जो कर्म मैंने किया उसका फल भी मुझे ही भोगना है, तो भगवान का इंटरफियरेंस वहां नहीं है। और परमात्मा अपने लेवल पर काम करता है, आत्माएं अपने लेवल पर काम करती है, प्रकृति अपने लेवल पर काम करती है, ये तीनों का काम बटा हुआ है। जब इंसान का जन्म होता है इस संसार में, ईश्वर से उनको दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? हर इंसान को दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट विवेक युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि की गिफ्ट मिलती है, जो सही गलत को अच्छी तरह समझ सकता है। और दूसरी गिफ्ट मिलती है स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की स्वतंत्रता, कि मुझे यह अच्छा करना है या बुरा करना है, यह मेरी अपनी चॉइस है। तो ये दो गिफ्ट हर इंसान को जन्म लेते ही प्राप्त होती है, स्वाभाविक है। आज एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने भी आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा तुरंत कहेगा अपनी विवेक युक्त बुद्धि से, आपने झूठ बोला। उसको भी समझ है कि ये सही नहीं बोल रहा है, लेकिन उस समय बड़े क्या कहते हैं? चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलता है। अब जैसे ही वो बात हमने उसको कही, बच्चा चुप तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में एक द्वंद चलता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं बोल रहा है, और ये कहता है मैं समझता नहीं हूं। क्यों नहीं समझता? मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चे आपके पास आकर बोलते हैं कि भाई हमारे टीचर ने कहा, मैं समझता नहीं हूं, और वो झूठ बोले जा रहे थे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे माँ बाप को आकर सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? तो एक बच्चे के पास भी ये विवेक है, ये बुद्धि है कि ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय जब बड़े ने कहा चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोल रहा है, चुप तो हो जाता है, लेकिन फिर उसकी प्रकृति, जैसा माहौल उसको मिला, उसके दबाव में आकर के, अगर तामसिक प्रकृति का होगा तो वो सोचता है माना झूठ बोलना यही सही है, तो दूसरी बार वो आपके सामने झूठ बोलेगा, और तब बड़े क्या कहे, झूठ बोलता है,
कहां से सीखा? ऐसा कोई करता है क्या? अब वो बच्चा अंदर में बहुत द्वंद में चलता है कि जब मैंने सही बोला तो ये कहता है तुम समझता नहीं है, जब मैंने झूठ बोला तो कहता झूठ बोलता है, कि कहां से सीखा? अब ये द्वंद उसको कहां ले जाएगा कि जिस तरह की प्रकृति के दबाव में वो जीता है उसके अंतर्गत वो उसी चीज को अपनाता है, तो उसमें परमात्मा का रोल कहां आया? इसलिए मनुष्य जो करता, कर्म का सिद्धांत यही है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है जो हर एक मनुष्य पर अप्लाई होता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते हैं। भावार्थ यह है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। बहुत स्पष्ट गीता में यह बात कही गई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माय एक्शंस। उसने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, इसीलिए कहा कि भगवान जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, कि जब हम ईश्वर को उसके लिए जिम्मेवार समझे, परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह से स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। आज के बाद ईश्वर पर यह दोष न लगाएं कि मेरे कर्मों के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मस। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने समझा था कि जब उसने सोचा भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे परिवार वाले उस कर्म में हिस्सेदार है, और उस महात्मा ने उसको ये बात कही कि पहले पूछ के तो आ तू अपने परिवार वालों से, क्या वो आपके कर्म में भागीदारी है जिसके लिए हम कर रहे हैं, इतना पाप कर्म करके लिए उनको पाल रहे हैं, क्या वो मेरे कर्मों में भागीदारी बनेंगे? जब परिवार वालों ने कहा भाई तू कर रहा है तुझे भोगना पड़ेगा, हम क्यों तेरे कर्म में हिस्सेदार बने, तब उसने अपना जीवन चेंज कर लिया। कि हाँ, एक लुटेरे वाल्मीकि से महर्षि बन गया। कहने का बाबा ये बात आज से हम भी स्पष्ट समझ ले कि हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हम ही है, न भगवान है न परिवार वाले है। जिसके लिए कर रहे हैं वो कोई जिम्मेवार नहीं बनने वाले है, वो कोई हिस्सेदार बनने वाले नहीं है। मेरे कर्मों के फल की प्राप्ति मुझे ही मिलेगी और जैसा करेंगे जो करेंगे जितना करेंगे उतना मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसीलिए संसार में रहते हुए मोह रहित संशय रहित
जीवन मुक्त है, वह मन की एकाग्रता से असीम सुख का अनुभव कर लेता है, असीम सुख की प्राप्ति। तो असीम सुख किसमें है? इंद्रियों के विषयों के से उत्पन्न सुख, उसमें असीम सुख नहीं है, वो टेम्पररी है, विकृत सुख है, जो आज सुख देगा कल दुख का अनुभव कराएगा। लेकिन जो उस वेग को सहन करके अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन और बुद्धि को उसको वश में कर लेता है, वो उस असीम सुख की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते, इंद्रियों के ऊपर संयम ले आ, इंद्रिय जीत बनो। और यही बात को जैन धर्म में गीता से ही उठाकर कहा, जय जिनेन्द्रिय। बार बार एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं जय जिनेन्द्रिय कह करके। तो इसीलिए वो समर्थ आत्मा सच्चा योगी है, जो अपने कर्मेंद्रिय के अधीन कभी नहीं होता, लेकिन अपने इंद्रियों को स्वयं के अधीन, स्वयं मालिक बन करके अपने इंद्रियों को चलाता है, वो असीम सुख का अनुभव कर सकता है। और इस अध्याय के अंत में भगवान कहते कि हे अर्जुन, बाहर के विषय दृश्यों का चिंतन नहीं करो। बाहर के विषय जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि बाहर के विषय जो विकृतियां हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, उसका चिंतन नहीं करो, और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, जो आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए मंदिर जाते हैं ना, तो एक प्रथा है कि चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर जाकर तिलक करते हैं, फिर मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये प्रथा चलती आई, लेकिन क्यों करते हैं मालूम नहीं। चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो, और वो उतार करके फिर अंदर जाके तिलक लगाओ भ्रुकुटी के मध्य, अर्थात स्वयं को आत्म भाव में स्थित करो। क्योंकि आत्मा का निवास स्थान मेडिकल साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जो कहाँ है? भ्रुकुटी के ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा का निवास स्थान। ये मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित है, लेकिन सरफेस मार्किंग ये है भ्रुकुटी, इसीलिए यहां तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाना माना उस कॉन्शियसनेस में आना कि मैं ये देह नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करना, मन को शांत करना, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करना, और संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी कल्याण की कामना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को प्रवाहित करना, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। यह ध्यान की यथार्थ विधि है कि ध्यान में बैठना कैसे। क्योंकि अक्सर मनुष्य जब ध्यान में बैठते हैं तो कारोबार की बातें चलेगी, कुछ समय इधर उधर के दृश्य याद आएंगे, है ना। तो जो आत्मसंयमी है, आत्मसंयमी वो अपने मन को सहज इन सभी बातों को, बाहर की बातों से स्वयं को उस कॉन्शियसनेस में स्थित कर सकते हैं, और तब उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर प्रवाहित होने लगते हैं, और वो ऊर्जा जितनी प्रवाहित होती उतना अपने आसपास भी वो पॉजिटिव एनर्जी का ओरा हम क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान में बैठने की एक विधि बताई है। आगे का सत्र 6th अध्याय ध्यान योग, ध्यान में बैठने का साइंस क्या है, ध्यान में कब बैठना चाहिए, कितना बैठना चाहिए, बैठने का
पोस्चर क्या होना चाहिए उसका जो साइंटिफिक तरीका है बताया है गीता के अंदर, उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे, मन को एकाग्र करेंगे बाह्य सभी बातों से, और एकाग्र करते हुए कुछ क्षण के लिए मन को उस परमात्मा में स्थिर करेंगे। स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो, अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, संयम हो मन बुद्धि के ऊपर भी, और कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से, दृश्यों से समेट लेते हैं। अंतरचक्षु को भीतर आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रकुटी की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज। यह शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र की मालिक हूं, कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। मैं आत्मा अपने सतो गुण स्वरूप में स्वधर्म में स्थित हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में, और अंतर चक्षु से देखते हैं कि जैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करते हैं। मन की गति को शांत करते हैं। मन को शांत सच्चे सुख की अनुभूति में ले जाते हैं। मैं शांत हूं,
शुद्ध। परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाती जा रही और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना दिव्य अनुभव है ये। मन शांत प्रसन्न है। परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं और हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में इस ऊर्जा को प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति।